लॉकडाउन का टाइम चल रहा था, उस टाइम हम समोसे बना रहे थे, समोसे ख़त्म हो गए आलू के। लड़का कहता मैं पालक पनीर की सब्ज़ी बनाऊंगा, वहीं से एक आइडिया क्रिएट करा और उसके पालक पनीर के हमने समोसे बना दिए जो आज लोग बहुत पसंद करते हैं। हमारी तीनों दुकानों में मिलते हैं जो ये पालक पनीर रेसिपी सिर्फ हमारे यहाँ स्टार्ट हुई है, उसके बाद जो मर्जी करे, हमारे पास फर्स्ट टाइम हमने बनाया है। सो हेलो फूडीज, वेलकम बैक टू अ न्यू व्लॉग। तो जी अम्बाला के चटोरे फिर से हाजिर हैं आपके लिए एक नई शॉप, एक नया फूड लेकर। और आज हम पहुंचे हैं जी सानी स्वीट्स अम्बाला सिटी में। तो जी यहां के समोसे और मठियां हमें यहां तक खींच लाई हैं, और ये कोई नॉर्मल समोसे हैं या फिर नॉर्मल मठियां नहीं है, ऐसे ऐसे इस कंसेप्ट से बनाते हैं, किसी ने सोची ना होगी। तो जी देखिए ये है पालक पनीर के समोसे, सुनकर अजीब लगा ना, पालक पनीर की सब्जी सबने खाई होगी पर पालक पनीर के समोसे कोई इमेजिन भी नहीं कर सकता, और सानी स्वीट्स ने पालक पनीर के समोसे बना दिए हैं। और देखिए आप यहाँ पर नॉर्मल समोसे भी बनाए जा रहे हैं, और कितनी क्वांटिटी में यहाँ पर क्रेट्स के क्रेट्स लगाए जा रहे हैं। और देखिए इसकी जो शीट होती है वो ग्रीन कलर की होती है ऑब्वियसली, क्योंकि पालक इसमें डलता है। तो ये एक बार फिलिंग देख लीजिए आप पालक पनीर के समोसे की, और जिसकी फिलिंग में रहता है पनीर, प्याज, मटर। तो जी हमारे समोसे बन गए हैं, और अब समोसे जाएंगे फ्राई होने के लिए शॉप पर। तो ये भाई समोसे लेकर जा रहे हैं। तो जी ये देखिए समोसे हमारे एक एक कर कर कढ़ाई में जा रहे हैं फ्राई होने के लिए, और ये मिक्स कर कर ही फ्राई करते हैं नॉर्मल समोसा भी और पालक पनीर का समोसा भी। और ये देखिए कितना कलरफुल समोसा लग रहा है, ऐसा समोसा मैंने पहली बार देखा। तो जी जब तक समोसे होते हैं फ्राई, हम चलते हैं शॉप के ओनर के पास, मोनू पाजी के पास, और पूछते हैं उनसे बिहाइंड द स्टोरी क्या है पालक पनीर की, और कैसे उन्हें आइडिया आया पालक पनीर के समोसे का। मगर उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लो और साथ में लगे घंटे को भी दबा दो। तो जी हमारे साथ हैं सानी स्वीट के पाजी। तो सत श्री अकाल पाजी, कैसे हो? बढ़िया जी, आप सुनाइए। बढ़िया जी। तो सबसे पहले अपना नाम दस दो सारे। मेरा नाम गुरमीत सिंह है, हमारी दुकान यहाँ है अम्बाला सिटी जगाधरी के, एक हमारी मेन जो ब्रांच है अम्बाला खेड़ में है सानी मठियालय, और एक नई ब्रांच जो खोली हमने बलदेव नगर में खोली है सानी के नाम से। ये दुकान मतलब आपकी कौन से सन में शुरू हुई थी? ये दुकान हमारी 1995 से है, जो हमारी मेन दुकान है, जो मेन ब्रांच है बालागंज में, वो 1948 से है, सहनी मठियाले के नाम से है। आपके यहाँ के पालक पनीर के समोसे काफ़ी फेमस हो रहे हैं अम्बाला सिटी में, तो उसके बारे में बताओ, मतलब कैसे आपने सोचा कि हाँ पालक पनीर की सब्जी लोग खाते हैं तो समोसे कैसे सोचा आपने? ये सोचा नहीं, ये बस लॉकडाउन का टाइम चल रहा था, उस टाइम हम समोसे बना रहे थे, समोसे ख़त्म हो गए आलू के। लड़का कहता मैं पालक पनीर की सब्ज़ी बनाऊंगा आज, वहीं से एक आइडिया क्रिएट करा और उसके पालक पनीर के हमने समोसे बना दिए जो आज लोग बहुत पसंद करते हैं। हमारी तीनों दुकानों में मिलते हैं जो ये पालक पनीर रेसिपी सिर्फ हमारे यहाँ स्टार्ट हुई है, उसके बाद जो मर्जी करे, हमारे पास फर्स्ट टाइम हमने बनाया है इसको। पालक पनीर के समोसे के अलावा भी काफ़ी तरह की मठियाँ भी बनाते हैं ना आजकल, मठी चल रही, जैसे अब सर्दी आ गई तो हमने उसके लिए अलसी की मठी बनाई है। आज तक लोगों ने अलसी की पिनी खाई है, मठी कभी नहीं खाई हुई। इसमें अलसी, तेल और हल्दी है जो स्पेशल की सर्दियों के लिए बनाई गई है, जो बुजुर्ग बंदे काफ़ी इसको पसंद कर रहे हैं, ताकि सर्दियों में इसको शरीर के अंदर पूरी गर्मी बनी रहे, ठंड कम लगे। तो जी पिज्जा मठी है हमारे पास, भेलपूरी मठी है, मैगी मसाला मठी है, गोलगप्पा मठी है, पालक मठी है, मठी बहुत तरह की शुरू करी हमने, और अच्छा रिस्पॉन्स है, चल रही है, ये अच्छी चल रही है। मतलब देखे हमने भी मिठाई की दुकान पे काफ़ी नॉर्मल तरह की मठियाँ होती हैं, पर आपके यहाँ पे कुछ यूनिक साइज कंसेप्ट चल रहा है ना? हाँ जी हाँ जी। पिज़्ज़ा मठी में क्या क्या रहता है? इसमें चीज़ डाला जाता है मेल्ट करके, और इसमें सीजनिंग है, चीज़ है, मैदा है, नमक है, ऑरिगैनो है, ये चीज़ें डाली जाती है। कोई भेलपूरी मठी के बारे में बता दो। भेलपूरी में भेलपूरी का मसाला होता है सर, इसको थोड़ा कलर दिया जाता है, अलग अलग टेक्सचर दिया जाता है ताकि अच्छा लगे। इसमें तीन चार तरह के मसाले मिक्स करके इसको भेल का टेस्ट बनाया जाता है, खट्टी मीठी सी होती है थोड़ी सी, मीठी तो नहीं होती, खट्टी सी होती है थोड़ी सी। मैगी मसाला में मैगी मसाला डाला जाता है, मैगी को भी डाला जाता है थोड़ा सा, वो हम अपने तरीके से डालते हैं कैसे डाला जाता है इसको। और अलसी में अलसी है, तिल है, हल्दी है, जो सर्दी के लिए बेनिफिट देती है लोगों को। ऑनलाइन ऑर्डर भी करते हो आप? हाँ जी, ऑनलाइन भी ऑर्डर है www.sanimathiwale.com। मतलब जोमेटो स्विगी, उस पर जोमेटो स्विगी ना ऑनलाइन है, मतलब आपके अपनी साइट के ऊपर है। ठीक है, तो अगर किसी ने मतलब इंटरनेशनल अगर मंगाना तो वहाँ भी कर देते हो? इंटरनेशनल तो नहीं, फिलहाल इंडिया में ही है, इंडिया में कहीं भी बैठा वो मंगवा सकता है। तो अपना कॉन्टैक्ट नंबर बता दो एक बार।
7206333333 मोनू सानी। तो जी हमारे समोसे फ्राई होकर आ गए हैं और आपको यहाँ सनलाइट में तो एक ही जैसे लग रहे होंगे, पर थोड़ा सा हल्का इनमें कलर का फर्क है। करते हैं टेस्टिंग और बताते हैं फिर आपको। तो जी ये रहे हमारे पालक और पनीर के समोसे, और ये रही हमारी मैगी मट्ठी, ये रही भेलपूरी मट्ठी, ये अलसी और तिल की मट्ठी, और ये रही हमारी पिज़्ज़ा मट्ठी। तो हर एक मट्ठी के हमने दो दो पीस ले लिए टेस्ट करने के लिए। तो सबसे पहले हम टेस्ट करेंगे मैगी मट्ठी। तो मैगी लवर्स के लिए ये है मैगी मट्ठी, ये सिर्फ आपको सानी स्वीट्स पे मिलेगी। तो टेस्ट करते हैं। मट्ठी के अंदर जो टेस्ट है ना, वो मैगी मसाला का टेस्ट है। और इसके अंदर दारजी ने हमें बताया था कि इसमें मैगी भी डालते हैं ये, और कैसे डालते हैं वो नहीं बताया वो इनका सीक्रेट है। तो अगर आप भी मैगी लवर हो तो आपके लिए मट्ठी परफेक्ट है। मैगी मसाला का परफेक्ट टेस्ट आ रहा है इसमें। तो अगली मट्ठी है हमारी भेलपूरी मट्ठी। भेलपूरी का टेस्ट आएगा इसमें आपको। तो ये भी टेस्ट करते हैं, और आप देख सकते हैं कितनी कलरफुल सी है, इसमें काफ़ी कलर्स आपको मिलेंगे। जितनी देखने में ये खूबसूरत है, उतनी इसमें टेस्ट भी काफ़ी अच्छा है। इसके अंदर मसालों का अलग ही टेस्ट है, मतलब हर एक मट्ठी का अलग ही टेस्ट मिलेगा आपको इसमें। आपको भेलपूरी वाला फ्लेवर आएगा। अगली मट्ठी है हमारे पास अलसी और तिल की मट्ठी। इसका भी काफ़ी अच्छा टेस्ट है, इसमें आपको तिल भी हैं और अलसी के बीज भी दिखेंगे। तो अगली है हमारी सबसे फेवरेट पिज़्ज़ा, पिज़्ज़ा मट्ठी, जिसकी शेप भी पिज़्ज़ा के स्लाइस जैसी है। और इसके अंदर डालते हैं जी ये चीज़ और ओरिगैनो सीजनिंग्स। तो अगर आप भी पिज़्ज़ा लवर हो तो आपके लिए ये मट्ठी है। तो जी इस पिज़्ज़ा मट्ठी के अंदर चीज़ का और ओरिगैनो सीजनिंग जो भी इन्होंने डाली है, उसका प्रॉपर टेस्ट आ रहा है। तो पिज़्ज़ा लवर्स के साथ वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिए। तो अगर आप भी अम्बाला सिटी आते हो तो एक बार सानी स्वीट्स पर ज़रूर आकर टेस्ट कीजिए पालक पनीर के समोसे और डिफरेंट वैरायटीज़ की मिठाइयाँ। तो जी अगला नंबर आता है हमारा पालक पनीर के समोसे। तो ये पालक पनीर की सब्ज़ी तो आप सभी ने खाई होगी, पर पालक पनीर के समोसे हमने भी पहली बार देखे हैं और आपको भी दिखा रहे हैं। अम्बाला सिटी के पालक पनीर के समोसे, तो खोलते हैं इसको। तो जी देखिए इसके अंदर फीलिंग है पनीर की, और पनीर कोई क्रश नहीं है। बड़े बड़े पनीर के पीसीज हैं इसके अंदर, मटर है, प्याज हैं, और इनके अपने मसाले हैं। तो ये टेस्ट करते हैं पालक पनीर के समोसे। मसाला काफ़ी अच्छा डाला हुआ है पनीर, और जो अंदर फीलिंग की हुई है पनीर भी काफ़ी सॉफ्ट है। तो जी जो प्राइस है इस पालक पनीर के समोसे का, वो है सिर्फ 20 रुपये, और 20 रुपये में आप देखिए आपको कितनी बढ़िया चीज़ मिल रही है। जय भाई, एकदम बढ़िया भाई। क्या नाम है आपका? देवेंद्र। तो आप कितना टाइम हो गया आपको सानी स्वीट पे आते हुए? मैं तो कॉलेज टाइम से ही आ रहे हैं भाई। आपने पालक पनीर के समोसे ट्राई किए हैं? हाँ जी बिल्कुल, एक नंबर के पालक पनीर के समोसे हैं, और काफ़ी अच्छा खाना है, सब बढ़िया है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब एकदम अच्छा खाना बनाते हैं, जो भी चीज़ है फास्ट फूड वगैरह सब कुछ। तो जी वीडियो करते हैं खत्म। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। प्रेस द नोटिफिकेशन बेल फॉर द मोर अपडेट्स। और अगर आपके भी शहर में कुछ ऐसी यूनिक आइटम्स मिलती हैं तो प्लीज़ हमें कमेंट्स में ज़रूर मेंशन कीजिएगा शॉप का नाम, और हो सके तो ओनर का नाम भी डाल दीजिए आप, और लोकेशन ज़रूर मेंशन कीजिएगा सिटी का नाम। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।